छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, ब्रह्मवीर संभाजी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर। कोल्हापुर की आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद श्री धनंजय महाडिक जी, माननीय सांसद श्री धैर्यशील माने जी, महायुति गठबंधन के उम्मीदवार श्री अमल महाडिक जी, श्री राजेश क्षीरसागर जी, श्री चंद्रदीप नरके जी, श्री अशोक राव माने जी, पूर्व विधायक श्री जयश्री जाधव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विजय जाधव जी, प्रदेश सचिव महेश जाधव जी, आरपीआई के उत्तम जी कांबले, सौमिक महाडिक, श्री पाल महाराज, मच्छिंद्र संकरे, श्री सुजीत चौहान, मंच पर उपस्थित महायुति गठबंधन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और हमारे सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण और कोल्हापुर के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, महालक्ष्मी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, महाराष्ट्र की धरती ने विषम परिस्थितियों में भारत को लड़ना सिखाया है। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वराज की स्थापना कैसे की जाती है इसकी प्रेरणा महाराष्ट्र ने दी। अटक से कटक तक एक राष्ट्र की परिकल्पना इसी महाराष्ट्र की धरती से पेशवा बाजीराव ने दिया था। बहनों और भाइयों, 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर, ये आजादी का पहला स्वातंत्र समर है जिसे कुछ इतिहासज्ञ मात्र क्रांति कहते थे। इसी धरती के सपूत वीर सावरकर ने कहा था कि नहीं, यह देश की आजादी का प्रथम स्वातंत्र है, ये प्रथम स्वातंत्र की संज्ञा देने वाले वीर सावरकर की धरा को स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, इसका उद्घोष करने वाले गणनायक से लोकनायक की यात्रा को प्राप्त करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसी महाराष्ट्र की धरती ने देश को दिया। और एक विधान सब समान, इसके अनुसार भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसी महाराष्ट्र की देन है। सामाजिक समता की स्थापना हो, महात्मा फुले ने यहीं से इसका उद्घोष किया था।
और महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। सावित्री बाई फुले ने इसका उद्घोष इसी धरा से किया था। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं तो आज आपके पास आया हूं कहने के लिए, मैं लोकसभा चुनाव के समय यहां पर धैर्यशील माने के समर्थन के लिए आया था। आपने अपना समर्थन और आशीर्वाद उन्हें दिया, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आया हूं, आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं और आपको अवगत कराने के लिए आया हूं। कि महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं, ये चुनाव मात्र सत्ता के लिए नहीं है, यह चुनाव महाराष्ट्र के लिए भी और भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन, पूरे देश के अंदर एनडीए कार्य कर रहा है, उनके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को देने के लिए वह प्रतिबद्ध है। वह देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए और शासन सत्ता उसके लिए सुशासन का एक मंत्र बनकर के आता है। एक तरफ यह महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर है, भाजपा है, शिवसेना शिंदे सेना है और एनसीपी में श्री अजीत पवार है, आरपीआई रामदास अठावले जी है और दूसरी तरफ न नीति है, न नैतिक बल है, न निर्णय लेने की सामर्थ्य है। ऐसा महाअगाड़ी गठबंधन जो देश के साथ धोखा कर रहा है, धोखा। बहनों और भाइयों, ये महाअगाड़ी गठबंधन पहले एक दूसरे को धोखा दे रहा है, एक दूसरे को। कांग्रेस में उद्धव ठाकरे में और पवार साहब में आपस में ही एक नूरा कुश्ती चल रही है, कौन किसको कितना मात दे देता है। और बहनों और भाइयों, उसके माध्यम से पहले ये अपने आप में आपस में धोखा देंगे, फिर हिंदू समाज को धोखा देंगे और फिर देश को ही लोग धोखा देंगे। आप मुझे बताइए, कांग्रेस का तो इतिहास ही भारत के साथ धोखा देने का रहा है। याद करिए, अगर कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता तो देश कभी विभाजित नहीं होता, कभी विभाजित नहीं होता, भारत का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान नहीं बनता, जिनको यह भय था कि मुसलमान दंगे करेंगे, उनसे तो हम वैसे निपट लेते जैसे आज निपटते हैं। लेकिन कांग्रेस की बुजदिली थी, उनकी कायरता थी, सत्ता लोलुपता थी, उन्होंने देश के विभाजन को स्वीकार करके हजारों वर्षों से जो भारत एक भारत था उस भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया।
बदले में मिला क्या? लाखों हिंदू काटा गया, लाखों हिंदू काटा गया। अब तो कांग्रेस के लोग उस सच्चाई को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कल यहां पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी आई होंगी, वह भी सच्चाई को नहीं बोली होंगी। उन्होंने विकास के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, आतंकवाद के बारे में नहीं कहा होगा, नक्सलवाद के बारे में नहीं कहा होगा, क्योंकि वे तो बांटने के लिए आए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उम्रदराज हैं लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। बहनों और भाइयों, उसी सच्चाई से अवगत कराने के लिए मैं आया हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव आज के कर्नाटक के बीदर जनपद में बारावती गांव है, और बारावती गांव को 1947 में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां, उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। खड़गे जी, सच्चाई को स्वीकार करिए, जनता जनार्दन के बारे में सच बताइए कि निजाम था कौन, ये निजाम था कौन और इसके रजाकार थे कौन जिन्होंने निर्ममता पूर्वक हिंदुओं का कत्लेआम किया था। क्यों नहीं आप उस सच्चाई को जनता के सामने रखते हैं? कांग्रेस के नेतृत्व के भय से, अरे आप तो स्वयं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आपको सच्चाई बोलनी चाहिए कि नहीं, निजाम के रजाकारों ने, निजाम का रजाकार कोई और नहीं था, ये निजाम के रजाकार वही कट्टरपंथी मुस्लिम हैं जो आज भी जगह जगह, कहीं गणपति महोत्सव पर, कहीं रामनवमी की शोभा यात्रा पर, और कहीं पर हमारी आस्था और सम्मान के प्रतीक विशालगढ़ जैसे किलों पर कब्जा करके भारत को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस के अंदर अंग्रेजों का ही जीन्स आया है, और इसीलिए कह रहे हैं बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ये महागाड़ी गठबंधन बांटने की राजनीति कर रहा है, ये जाति के नाम पे बांटेगा, क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, भाषा के नाम पे बांटेगा, आपस में लड़ाएगा, जाति जाति को लड़ाएगा, और फिर आपस में लड़ करके और फिर उन्हीं रजाकारों को जो कभी निजाम के रजाकार के रूप में सनातन के खिलाफ लड़े थे, उन्हीं रजाकारों के माध्यम से फिर से भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देंगे। कांग्रेस तो यही कर रही थी, उसके लिए देश हित कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। याद करिए 2014 के पहले के भारत को,
2014 के पहले पाकिस्तान भारत के अंदर घुसता था, भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण करने का प्रयास करता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था। और बहनों और भाइयों, व्यापक पैमाने पे देश के अंदर आतंकवाद को भड़काने का काम करता था। हम लोग उस समय सांसद थे, हम लोग मंचों पर इस बात को उठाते थे, संसद में मुद्दे को उठाते थे, तो कांग्रेस की यूपीए सरकार कहती थी इसको मत उठाइए, संबंध खराब हो जाएंगे। हम कहते थे क्या देश की कीमत पर संबंध सुधारोगे क्या? अरे देश की कीमत पे संबंध नहीं सुधर सकते। लेकिन ये नहीं मानते थे। 2014 में जनता जनार्दन ने दुनिया के आज के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुन करके भेजा। आज आप देखते होंगे, आज तो पाकिस्तान या भारत का कोई दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। आज अगर करता है तो उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आज भारत की वर्तमान यात्रा को आप देख रहे होंगे, नया भारत, पहले 10वीं अर्थव्यवस्था था, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अगले 3 वर्ष के अंदर भारत 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आज भारत के अंदर बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। योजनाओं का लाभ कैसे दिया जाना है, महाराष्ट्र के अंदर पूछो। यहां पे एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी के नेतृत्व में चलने वाली महायुती गठबंधन की सरकार ने लाडली बहना के माध्यम से यहां की 2.5 करोड़ बहनों के खातों में हर महीने धनराशि देकर के साबित किया कि बिना भेदभाव के योजना का लाभ दिया जा सकता है। बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की महायुति गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र के अंदर जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है, उसी को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग आए हैं। बिना भेदभाव के हर गरीब को आवास की सुविधा का लाभ मिल रहा है, बिना भेदभाव के हर घर में आयुष्मान की सुविधा का लाभ मिल रहा है, शासन की सुविधाओं का लाभ गरीबों को बिना भेदभाव के मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया नया है, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, एयरपोर्ट्स के रूप में, एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सब भी क्रियान्वित हो रही हैं। और युवाओं के लिए भी तो योजनाएं हैं। मिशन रोजगार के नाम पर युवाओं के लिए नौकरी, महिलाओं के लिए स्वावलंबन के लखपति दीपी का अभियान। याद करिए 2014 के पहले इस महाराष्ट्र में सबसे अधिक अन्नदाता किसानों ने आत्महत्या की थी, आज किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। और महायुति गठबंधन सरकार ने कहा है जितना केंद्र सरकार दे रही है उतना ही महायुति गठबंधन की सरकार भी देगी। बहनों और भाइयों, ये सुविधा यहां के लोगों को न मिलने पाए, इसके लिए कांग्रेस
और उसके सहयोगी दलों के द्वारा न्यायालय में अपील की गई। वे नहीं चाहते कि युवाओं को नौकरी मिले, महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिले, वे नहीं चाहते कि महाराष्ट्र के अन्नदाता किसान खुशहाल हों। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहन और भाइयों, हम बटे थे तो हमें अपमान झेलना पड़ा था, देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ था। हम बटे थे, अयोध्या में राम मंदिर का अपमान झेलना पड़ा था, काशी में काशी विश्वनाथ का अपमान झेलना पड़ा था, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि का अपमान झेलना पड़ा था। और जब डबल इंजन की सरकार एक साथ काम करनी प्रारंभ की तो 500 वर्षों की समस्या का समाधान अयोध्या में हुआ है। आज आप अयोध्या में देखते होंगे, अयोध्या में भगवान राम लला विराजमान हो गए हैं, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। और मैं तो महायुति गठबंधन सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अयोध्या में महाराष्ट्र से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक भव्य महाराष्ट्र भवन बनाने के लिए वहां पर जमीन वहां पर आरक्षित करके उसके कार्य प्रारंभ कर दिया है। बहनों और भाइयों, आखिर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस भी कर सकती थी, नहीं किया, नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सर्वे बाला साहब ठाकरे जी होते क्या वे कांग्रेस के साथ गठबंधन करते क्या? करते क्या? तो फिर उद्धव जी ने क्यों कर दिया? अपने मूल्य और सिद्धांतों से भटक गए। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, सरदेव बाला साहब ठाकरे जी चाहते थे मूल्यों के आदमी थे, उन्होंने इन मूल्यों की राजनीति की थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम सब कुछ करेंगे हिंदुत्व के मुद्दे पर, छत्रपति शिवाजी महाराज को सामने रख करके ही हम आगे काम करेंगे। और छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके आदर्श रहे हो, वे बांटने की नहीं एकता की बात करके महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे भारत को एक भारत बनाने के लिए कार्य करेंगे। और यह कार्य महायुति गठबंधन कर रहा है। और इसीलिए मैं आप सबके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, 20 नवंबर को चुनाव है, ये महाअघाड़ी गठबंधन आपको बांटने के लिए फिर से आएगी, तमाम प्रकार के बातों को आपके सामने कहेगी। इसमें विश्वास कभी मत करना, कभी मत करना, धोखे से भी नहीं करना है। मैं तो आपसे एक ही अपील कर रहा हूं कि महायुति गठबंधन आपके सामने है, महायुति गठबंधन में श्री एकनाथ शिंदे जी, श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री अजीत पवार जी, ये सभी मिलकर के महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक विकसित महाराष्ट्र बनाने की संकल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं, एक सुरक्षित महाराष्ट्र बनाने की संकल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, महायुति गठबंधन की सरकार बनती है तो विशालगढ़ किले का अतिक्रमण भी अपने आप ही दूर हो जाएगा। तब हमारे बप्पा, गणपति बप्पा के शोभा यात्रा पर कोई पथराव करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। रामनवमी के किसी शोभा यात्रा पर कोई पथराव करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। ये पत्थरबाज अपने घर में सिकुड़ जाएंगे, सिमड़ जाएंगे, घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे। और निकलेंगे तो पत्थरबाजी किए तो उन्हें मालूम है यूपी का सूत्र लागू हो जाएगा, राम नाम सत्य है।
और इसीलिए आप सबसे मेरी विनती है कि यहां पर महायुति गठबंधन ने श्री अमल मांडिक को, श्री राजेश क्षीरसागर को, श्री चंद्रदीप नरके को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। आप इन्हें अपना समर्थन और आशीर्वाद देंगे? ये सभी प्रत्याशियों को अपना समर्थन और आशीर्वाद देंगे? दोनों हाथ उठा करके मेरे सामने इन्हें आश्वस्त करो। तो 20 नवंबर को आपका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो, इसके अपील करते हुए